एचएस न्यूज की टीम जयपुर में थी और इस दौरान हम लोगों का मिजाज जानने पहुंच गए जयपुर के मशहूर सेंट्रल पार्क में, जहां लोग सुबह सुबह सैर के लिए पहुंचते हैं और खुलकर राजनीति पर बात होती है। हमारी टीम जब सेंट्रल पार्क पहुंची तो क्या युवा वर्ग, क्या बुजुर्ग, सब अपनी हेल्थ को लेकर सचेत रहने वाले सरकार चुनने की बात पर भी बड़े सतर्क नजर आए। आइए हम भी आपको लेकर चलते हैं जयपुर के सेंट्रल पार्क की सैर पर और करते हैं यहाँ पहुंचने वाले लोगों के साथ चुनावी चर्चा। जैसे हम जयपुर के सेंट्रल पार्क में हैं और हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं जो हिंदुस्तान में पहली बार जब 2019 के चुनाव होंगे तो वो वोट देंगे। कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान की राजनीति पर चर्चा कर सकते हैं। क्या आपको लग रहा है आप जब चुनाव होने वाले हैं और आप पहली बार वोट देने वाले हैं? तो हमारा व्यू पॉइंट है कि वी थिंक कि हाँ, नरेंद्र मोदी हैं तो वही सही हैं, वो करते हैं, काम करते हैं। सिर्फ बोलने से नहीं होता ना, राहुल गांधी वो हैं कि वो ज्यादा बोल देते हैं एक ही बार में, पर जब करने की बारी आती है तो फिर वो नहीं कर पाते। पर मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया? मोदी जी ने क्या नहीं किया, उन्होंने जितना भी चीज बोला ना उन्होंने आधे से ज्यादा या फिर मेनली तो सारी चीजें कर ही दी अभी तक जितना हमने देखा। अभी तो राजस्थान में विधानसभा में जो है सरकार बदल गई है, बीजेपी से कांग्रेस की सरकार आ गई, पर राजस्थान का नहीं पूरे भारत का देखना पड़ेगा हमें। तो मुझे लगता है मोदी जी एकदम राइट पर्सन है इसके लिए, क्योंकि राहुल जी से बोलते हैं वो करते नहीं है, मोदी जी बोलते नहीं है पर वो करके दिखाते हैं। सर, आप अपनी हेल्थ का तो ध्यान रख रहे हैं यहाँ पर सेंट्रल पार्क में, हिंदुस्तान की जो हेल्थ है उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? जो अब इलेक्शन आ रहे हैं वो हिंदुस्तान की हेल्थ को ठीक करने के लिए है। हेल्थ राहुल जी बहुत बढ़िया डिसीजन ले रहे हैं और अच्छी हेल्थ कर देंगे, समझो। ये चौकीदार तो ये समझ लो खत्म हो गए चौकीदार जी, तो अब चौकीदार ने हेल्थ खराब की है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है सर, चौकीदार ने हेल्थ खराब की है? बिल्कुल, कितने दिमाग में क्या नुकसान हुआ है? पुराने सारे काम धंधे खत्म हो गए, हमारे घर वालों के गुल्ले टूट गए। एक्चुअली सो बातों की एक बात, कोसने वाली सरकार नहीं, काम करने वाली सरकार चाहिए। कहाँ है, काम धंधे बंद ही पड़े हैं सब, काम धंधे बंद पड़े हैं, रोजगार नहीं है, काम धंधे नहीं है जी। और मैं मानता हूँ कोई इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं है अभी, एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं है, बढ़ा है एक्सपोर्ट? ऐसा बेरोजगारी बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और जयपुर में जगह जगह चोरियां हो रही है, नोटबंदी और जीएसटी का भी बहुत फर्क है, बिजनेस बिल्कुल नहीं है जयपुर में, सारा फ्लो रुक गया है बिजनेस का। और आप देखें तो मेरे ख्याल से मोदी को सोचना चाहिए, दोबारा अगर आ जाए तो भी मोदी जी को बहुत सोचना चाहिए। यूथ के लिए आपको कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, इसमें कोई कहने की दोहराए नहीं है कि आज का स्टूडेंट, आज का युवक यही चाहता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा बोल्ड हो, ऐसे ऐसे स्टेप्स ले। एम्प्लॉयमेंट है आज नहीं तो आने वाले नेक्स्ट ईयर्स, 5 ईयर्स आप हम वापस से मौका देंगे। नहीं सर, फौज को सपोर्ट तो नेता ही कर रहे हैं ना, पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इतना बोल्ड डिसीजन ले नहीं पाए। 40 का 400 में से कितने सबूत है हमारे पास? 46 सैनिक मारे गए, इतनी सिक्योरिटी के बीच में वो कार कैसे आ गई? कैसे आ गई? तो इतने साल पहले भारत में आके बॉम्ब फोड़े गए, वो कहाँ से आए? इतनी सिक्योरिटी में बॉम्ब आए, बॉम्ब स्क्वाड आए, ताज होटल मुंबई में हमले हुए, उसका क्या जवाब? बॉम्ब फूटे, ये तो सैनिक 5 साल ही तो मिले मोदी को, इनको तो 70 साल मिले, इन्होंने क्या कर दिया? इनको तो बहुत कुछ करना चाहिए था, नहीं क्यों नहीं किया? बड़े लीडर्स पैरोल बेल पे, तो आप ये और बता दीजिए, 5 साल और मौका देना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या करेंगे। 5 साल में बहुत ऐसे कदम किए जो कांग्रेस वालों की हिम्मत भी नहीं हो सकती, जो इन्होंने कदम लिया है वो अगले 5 साल और देखे जाए। 5 साल मोदी को और आने दो, वो भी सपूत मिल जाएंगे आपको, 5 साल बर्बाद नहीं हो जाएंगे, पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। कांग्रेस ने हमेशा लूटा है भारत को मोदी जी ने, और मोदी ही आना है, सही है, मोदी जी ही आएंगे। राहुल। अभी चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, विधानसभा चुनाव में एक बड़ा बदलाव हुआ, बीजेपी की जगह कांग्रेस की सरकार है, अब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, आपको लगता है कि कोई बदलाव की उम्मीद आपको लगती है या लगता है कि मोदी सरकार को फिर से वोट दिया जाना चाहिए? मोदी सरकार को फिर से वोट देना चाहिए क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत तरक्की करी है, उन्होंने हर जगह थोड़े से जैसे भामाशाह कार्ड भी बनाए हैं, गरीबों को सिलेंडर वगैरह प्रोवाइड किया, मोबाइल प्रोवाइड किया, इंटरनेट सेवा दी है, तो उन्होंने बहुत सेवा का, बहुत जनता का भला किया है। सर, अभी चुनाव का दौर चल रहा है, राजस्थान में विधानसभा चुनाव खत्म हुए, लोग कहते हैं कि विधानसभा का जो चुनाव होता है वही लोकसभा में भी दिखाई देता है, राजस्थान में सरकार बदली है, आपको लगता है लोकसभा में भी यही रहेगा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं,
मैं तो मोदी को जाएगा, उनको नहीं जाएगा। देखिए राजस्थान के अपने लोकल मुद्दे हैं, लेकिन जब सेंटर की बात आती है तो मोदी को ही जाएगा, क्योंकि मोदी इज अ ब्रेव पर्सन, ही कैन टेक डिसीजन। डिसीजन लेने का उसमें पावर है, शक्ति है, और किसी में मोदी के मुकाबले कोई है भी नहीं। क्या बड़ा फर्क आप देखते हैं मोदी सरकार में और जो पिछली सरकारें थी उसमें? उन्होंने सिर्फ देश को नुकसान ही किया है, चाहे वो 370 हो, चाहे वो 35A हो, चाहे वो इनकी जो वो सांप्रदायिकता की नीति हो, सांप्रदायिक के नाम पर इन्होंने तुष्टिकरण किया जो कि मोदी में नहीं है। ये दिन रात का अंतर है। और मोदी बेईमान नहीं है, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बनाई है ना, कांग्रेस ने बनाई है ना, मोदी के पीछे फैमिली को क्या दिया उसने? नहीं। लेकिन अकेले मोदी तो नहीं है ना, उनकी पार्टी में भी तो सब लोग हैं जिनकी फैमिलीज होगी, जिन पर करप्शन होगा, जिनके और इंटरेस्ट होंगे। ठीक है, आप जो पूछ रहे हैं, पर नेता तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने, वो बेईमान नहीं है, जबकि इनका जो नेता आएगा वो बेईमान है और एस्टेब्लिश हो चुका है। जो एक नारा दिया है बीजेपी ने कि मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल हवाबाजी है या आपको लगता है? नहीं, मोदी के जमाने में ही मुमकिन है, वरना तो इन्होंने कभी इतना दम दिखाया कि 12 दिन के अंदर ही ठोक दे उसको, नहीं कर सकते। और आज जो इन्होंने ये जो मैनिफेस्टो दिया है वो किसके फेवर में दिया है? किसके फेवर में दिया है? सारे आतंकवादियों के फेवर में। तो इनको वोट देंगे अपन? जिसको देश से सच्चा प्यार है वो नहीं देगा वोट इनको। जिसको देश से सच्चा प्यार है सर, अभी जो अपोजिशन है उन्होंने नारा, जो मोदी जी का नारा था कि मैं चौकीदार, उसको उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है। क्या आपको लगता है चौकीदार चोर है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मोदी कैसे चोर हो सकता है? आरएसएस का है वो, आरएसएस में ऐसे नहीं सिखाया जाता। राहुल गांधी जाके आरएसएस में ज्वाइन करे एक हफ्ता जाके, उसको पता चल जाएगा कि आरएसएस क्या होता है। लेकिन सर जो आरएसएस में नहीं है क्या वो चोर है? कौन से जो लोग आरएसएस, हम कब कहते चोर है? वो चोर नहीं है, चोर नहीं है, संस्कार नहीं उनमें, उनमें संस्कार नहीं है। लेकिन जो लोग आरएसएस में नहीं जाते वो देशद्रोही तो नहीं है? देशद्रोही नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा देशद्रोही है, देशद्रोही नहीं है, बिल्कुल देशद्रोही नहीं है, वो भी अच्छे हैं, वो भी देशभक्त हैं। तो उन्हें मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? किनको? जो लोग मोदी के अलावा जो लोग हैं दूसरी पार्टी? नहीं नहीं, कैसे मौका मिला, कौन है बताइए मेरे को, एक भी आदमी बता दीजिए, एक भी आदमी, एक मेरे को नाम बताइए उसका, कौन है मोदी के जो सामने खड़े? ममता, सवाल राहुल गांधी है, मायावती है, ये सब अपना पैसा बनाने के लिए आए हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, देश को सत्यानाश करेंगे। सिर्फ मोदी ही देश को बचा सकता है, आगे ले जा सकता है, और कोई नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हेल्थ जानने के लिए हमारे साथ है राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, ये सेंट्रल पार्क जो है जयपुर का, वो तो घूमने के लिए और हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन अभी सबको चिंता है देश की पॉलिटिकल हेल्थ की, आपको क्या लग रहा है? देश की पॉलिटिकल हेल्थ तो आम मतदाता यही सोच रहा है कि उनके पास में कोई नरेंद्र मोदी जी का विकल्प अभी नहीं है, तो वो देश स्थिर सरकार के लिए नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ही सौंपना चाहता है। मोदी जी ने एक नारा दिया मैं चौकीदार, और अब पूरे देश में बीजेपी के लोग कह रहे हैं मैं भी चौकीदार, तो आपको समझता है कि बीजेपी के अलावा सब चौकीदार नहीं है देश के? क्या है कि जो कांग्रेस के नेता लोग थे उन्होंने जब ये सवाल किया कि चौकीदार चोर है, तो हर राजनीतिक दल उसका कोई ना कोई तोड़ ढूंढता है, मैं समझता हूँ ये उसका तोड़ है। आपको लगता है कि बदलाव की जरूरत? बिल्कुल 200% बदलाव की जरूरत है। कौन है मोदी का विकल्प? बहुत है, अगर आप प्रॉपर राजनीति करोगे, प्रियंका गांधी, केजरीवाल, राहुल गांधी, बहुत से, ऐसी कोई बात नहीं। क्या मोदी आज से पहले जब गुजरात में था उससे पहले क्या आज तक कभी कोई नेता ही पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान के अंदर? आपको लगता है कि मोदी का विकल्प नहीं है? अभी फिलहाल के अंदर कोई विकल्प नहीं है मोदी का। हाँ, पब्लिक खुश नहीं है चुनावी व्यवस्था से, चुनावी मुद्दों से, पब्लिक के कोई मुद्दे नहीं हो रहे, मिलावटखोरी, भ्रष्टाचार सब बढ़े हुए हैं, और उसके बाद में विकल्पहीनता की वजह से कंट्री के लिए मात्र एक यही विकल्प है। दूसरा कोई विकल्प प्रियंका, राहुल या कोई केजरीवाल या अखिलेश यादव कोई नहीं है, खिचड़ी है, ये देश को नहीं संभाल पाएंगे और ब्लैकमेलिंग होगी और देश कमजोर होगा। जो दूसरे मतलब पीरियड्स के अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था, 5 साल में कुछ भी नहीं आया सामने ओपन, ना तो किसी स्टेट में आया जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी और ना सेंट्रल में आया, और मोदी जी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा विकल्प है। अगर अपन बोलते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनको नेहरू परिवार से इनको इनका नाम एक बार हटा दें तो इनका कोई वर्चस्व नहीं है, इनको कोई लीडर भी नहीं मानेगा। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।